एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है, फटाफट बताते चलिएगा ना, 4x + 2 = 0। डिस्क्रिमिनेंट पूछा है सिर्फ, तो आप क्या निकालेंगे? d = b² - 4ac, और b कितना है? a है 1 और c है 2, ठीक है। दिस इज 16 - 8, सो दिस इज 8। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका, x - 1 and 2x - 1 = 0। अब देखिए यहाँ 0 आया, क्या करेंगे? रूट नहीं पूछा है, रूट पूछता तो आप क्या करते? डायरेक्ट फैक्टर आपके सामने है, 0 के इक्वल करते और x की वैल्यू निकाल लेते अगर रूट पूछता तो। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ए बी सी चाहिए, और ए बी सी निकालने के लिए क्या चाहिए? इक्वेशन। इसलिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाइए, समझ आया? ठीक बना है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट बी कितना है? सो -3² ए है 2 और सी है 1। दिस इज 9 - 8, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका पसंदीदा है, √3x². अभी भी रूट से डर लगता है आपको? डर हट गया कि लग रहा है? क्यों लगता है डर रूट से? नहीं लगता, ठीक है। चलिए, ये तो ऑटोमेटिकली सेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज b² - 4ac। व्हाट इज b? 2√2² - 4 मल्टीप्लाइड बाय a, a इज √3 मल्टीप्लाइड बाय c, हाँ -2√3। साइन के साथ दिस इज द c, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो सब प्लस प्लस आता है, तो जो भी माइनस दिखेगा वो नंबर के साथ जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ज़रा इसका स्क्वायर बोलिए कितना होगा? 2 2 जा 4 और √2 √2 2, तो 4 2 जा 8, माइनस प्लस 4। नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, √√ के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। कोई भी नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होता, कोई भी रूट वाला किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, ना किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया? 8। √√ से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया? 3। अब वो नंबर बन गया ना, तो यहाँ ये 8 और ये 3, 8 3 जा 24, और 24 और 8 कितना होता है? तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, सही जा रहे हैं। चौथा प्रश्न ये है, x² - 4x + a = 0। अब यहाँ पर वो कांस्टेंट नंबर देने के बजाय क्या दे रहे हैं? a देने दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, b कितना दिखा आपको? तो -4² - 4 × a, तो 1 है, और c कितना दिख गया? a, तो ये हो गया हमारा 16 - 4a। तो कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेते हैं, 4, दिस इज 4 - a, ये डिस्क्रिमिनेंट बन गया, ठीक है। यहाँ तक भी लिख के छोड़ेंगे तो चलेगा, 16 - 4a, कॉमन निकाल के छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है, x² + px + qx = 0। इक्वेशन सेट है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। दिस इज b² - 4ac, बी कितना है? प्लस पी है, माइनस नहीं है, प्लस पी, ठीक है। ए कितना है? 1, और सी कितना है? क्यू, तो ये हो गया p² - 4q, बस हो गया, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, आगे सॉल्व भी नहीं होना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सिमट गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ नेचर पूछ रहा है ना रूट का, कि
रूट कैसा होने वाला है, ये नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। ले रहे हैं फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज फोर। बातें नहीं करो, इधर ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और हमको नेचर बताना है रूट का। तो रूट का नेचर कौन डिसाइड करता है? तो हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का साइन बताएगा कि रूट कैसा होने वाला है, ठीक है ना? तो डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना है, दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी है माइनस फोर और ए कितना है वन और सी है फोर, दिस इज सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया? और जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है रूट इक्वल होते हैं, बट रियल, रियल और इक्वल, है ना? समझ रहे हैं ना? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो यानी रूट के अंदर जीरो, तो रूट ही खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो रूट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे, क्योंकि माइनस बी अपॉन टू ए तो बचा है ना, समझ रहे हैं? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है? यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, आप टू कॉमन निकाल के भेज सकते हैं इधर उधर, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। समझ आया इक्वेशन? डिस्क्रिमिनेंट ज़रा बोलिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी कितना दिख रहा है, तो वन का स्क्वायर वन, माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय वन, वन माइनस फोर माइनस थ्री, कैसा आया डिस्क्रिमिनेंट? निगेटिव। और जब निगेटिव होता है तो रूट कैसे हो जाते हैं? हाँ, रूट्स आर इमेजिनरी, दिस इज द नेचर ऑफ रूट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थ्री, अगला क्वेश्चन है हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी है टू रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू, ठीक है? इसका स्क्वायर बोलिए कितना होगा, टू टू जा फोर मल्टीप्लाइड बाय सिक्स 24, फोर थ्री जा ट्वेल्व टू जा 24, जीरो। सेम यही स्टेटमेंट देंगे जो यहाँ पर दिए थे, रूट्स आर रियल बट इक्वल, इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है? रियल एंड इक्वल। चौथा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर टू रूट फाइव एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, व्हाट इज बी, टू रूट फाइव का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, सी माइनस वन है, ठीक है? तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, इधर बचा फोर और यहाँ है फोर फाइव जो ट्वेंटी, तो कितना आया ये 24, यानी डी तो पॉजिटिव आया ना, और पॉजिटिव होता है तो फिर दो रियल रूट मिलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग मिलते हैं, टू रियल रूट्स, रियल रूट्स, ठीक है? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, थ्री अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर टू अपॉन थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वॉट इज बी, माइनस टू अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय ए, थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाय सी वन, इसका स्क्वायर रूट बोलिए, स्क्वायर बोलिए फोर अपॉन नाइन माइनस, कैंसिल तो नहीं होगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व अपॉन फाइव, एलसीएम कितना, नाइन फाइव जा 45 भी होगा ना, तो ये हो गया फाइव 20, 20 माइनस 12 नाइन जा, एलसीएम तो लेते बनता है ना, 12 नाइन जा 108 और ये कितना है, तो आंसर किस में आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आए, ये तो पता है ना, ये बड़ा नंबर ये छोटा, तो साइन इसी का आएगा नेगेटिव,
तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव आएगा तो क्या होगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? फाइंड वैल्यू ऑफ के, और कंडीशन क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी है, इक्वल भी है, यानी क्या? डिस्क्रिमिनेंट कितना? जीरो। बिल्कुल ठीक, रियल और इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। पहला क्वेश्चन इस पर हम ले रहे हैं। दिस इज 2x² - 10x + k = 0, ठीक है। हाँ, तो अगर इसका रूट रियल और इक्वल है, यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका, कैसे लिखेंगे इसको, फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, और फिर हम जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, 2x² - 10x + k = 0, दिस इज अननोन, और यही अननोन हमको निकालना है, और कंडीशन ये बता रहे हैं, दिस इज द कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफोर वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी जीरो फॉर रियल एंड इक्वल रूट, डिस्क्रिमिनेंट विल बी जीरो, समझ आ रहा है ना? और अगर रियल इक्वल नहीं होता तो, सिर्फ रियल होता तो, सिर्फ रियल होता तो डिस्क्रिमिनेंट क्या लेते? पॉजिटिव, यानी मोर देन जीरो, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो d इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज d? b² - 4ac = 0। अब ये ए बी सी तो आपको यहीं से दिख रहा है, b कितना? -10, -10 का स्क्वायर, 4 × a कितना? 2, और c कितना? ये आ गया k, इक्वेशन में k बस अननोन है, ये कितना हो गया? 100 - 8k = 0, ये 8k उस पार चला गया, पॉजिटिव हो गया, ये उधर गया है ना, ये उधर वाला यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 8k पॉजिटिव, और इस पार कितना है? 100, सो k = 100/8, ये 2 से कैंसिल हो गया, 250 जा, 24 जा, 225 जा, 22 जा, 25/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, हो गया ना? नेक्स्ट लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इस पर, kx² - kx + k, इसमें 2k आ गया, k² - 5x + k = 0, कंडीशन सेम है, कंडीशन वही, रियल और इक्वल रूट, तो हम डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे हर बार? ये लिखने का तरीका समझ गया कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट अब बनाना शुरू कर रहे हैं, फॉर रियल एंड इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो, सो दिस इज b² - 4ac = 0, व्हाट इज b? -5 का स्क्वायर, 4 × व्हाट इज a? दैट इज k, व्हाट इज c? दिस इज ऑल्सो k = 0, दिस इज 25 - 4k² = 0, इसको ले जा रहा हूँ उस पार, है ना, तो ये उस पार जा करके पॉजिटिव हो गया, उधर वाले को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, और इस पार क्या बचा है? 25, इस 4 को भी उधर ले लेते हैं, दिस इज 25/4, एंड जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा 4, 25 का क्या 5 और 4 का 2 प्लस माइनस के साथ, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, तो के प्लस 5/2 भी हो सकता है और -5/2 भी हो सकता है, कुछ भी, दोनों में दोनों चलेंगे, प्लस और माइनस, ठीक है ना? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2x² + kx + 9/8 = 0, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वही रखेंगे हम, d = 0, और d है हमारा b² - 4ac = 0, b कितना है? तो k का स्क्वायर हो गया, -4 × a कितना है? 2, और c कितना है? तो ये देखिए, 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम, और 4 से ये कैंसिल हो गया 4, और उधर इक्वल टू 0 है, k² - 9 = 0, k² = 9, और k = √9, यानी +−3, तो k की वैल्यू 3 हो गई, चाहे +3 ले लीजिए, चाहे -3 ले लीजिए, दोनों चलेगा, ठीक है। एक और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज 9x²
माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू जीरो, सेम कंडीशन। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर रहा हूँ ना, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी कितना है? माइनस के का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल टू जीरो। सो दिस इज के स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करिए 16 4 जा 64 और 64 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना होता है? 64 मल्टीप्लाइड बाय 9 576 इक्वल टू जीरो एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू 576 पॉजिटिव। और ये स्क्वायर उधर जा करके रूट बन जाएगा, और रूट के बाद 576 किसका रूट होता है? तुरंत तुरंत सोचिए, ये पेयरिंग बनाइए, ये पेयरिंग, ये कितना आएगा? 2 और आगे 6 किसके किसके मल्टीप्लिकेशन से आता है यूनिट प्लेस पर? खाली 6 से आता है, 4 जा 16 4 भी होता है, तो या तो ये 24 होगा या 26 होगा, करके देख लीजिए किसका स्क्वायर रूट है। 24 का है तो स्क्वायर रूट कितना हो गया? प्लस माइनस 24। तरीका समझ में आ रहा है निकालने का कि नहीं आ रहा है? निकालें स्क्वायर रूट, बताएं कैसे निकालते हैं, बोलिए। बताऊं मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कि बनता है? हाँ क्यों, इधर स्क्वायर रूट बनता है ना, मुझे तो नहीं बताना ना, नहीं कहेंगे तो बताऊंगा मैं, शर्माइए नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी कितना है? माइनस 4 का है, प्लस 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए, के है और सी 1 है। दिस इज 16 माइनस 4k इज इक्वल टू जीरो, ये उधर चला गया और 4 इधर आ गया, तो k कितना हो गया? सिर्फ 4, कोई प्लस माइनस नहीं, क्योंकि स्क्वायर बना ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, 5-6 क्वेश्चन थे इस पर, 5 क्वेश्चन है ना, चौथे के बाद ये 5वां क्वेश्चन है हमारा, दिस इज 5th क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और अवर क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। बातें नहीं करिए, इधर ध्यान से सुनिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, और हमारा पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज करके बनाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? ठीक लिखा हूँ स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके? और हमको पता है फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही होता है ना, इसी से बोल रहा है बनाने, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, सो बी कितना? ये माइनस फार्मूले का माइनस है, और बी की वैल्यू यहाँ से उठा रहा हूँ सिर्फ 7। दिस इज 7 का स्क्वायर डायरेक्ट 49 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 36 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 72, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं अपन ना, फटाफट कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18। ठीक है, माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 9 दो 11 और 7 4 11 एक 12। और आप जानते हैं 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का होता है। तो बना लेते हैं एक स्टेप और, माइनस 7 प्लस माइनस 11 18। ये यहाँ तक पहुँच गए ना, अब इसको क्या करना है? एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पहला पॉजिटिव साइन, सो दिस इज माइनस 7, यहाँ ले रहे हैं प्लस साइन, 11 अपॉन 18 कितना है ज़रा बोलिए? प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, अरे तुम लोग को 11 में से 7 गया,
छः दिखता है, चार ना, सात चार ग्यारह होता है ना, तो फोर आया, फोर डिवाइडेड बाय 18, टू टू से कटेगा, वन अपॉन नहीं आएगा मैडम, टू अपॉन नाइन आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? हाँ थोड़ा ओरल कैलकुलेशन करिए और गड़बड़ मत करिए कैलकुलेशन में, एक बार निगेटिव साइन, दिस इज माइनस सेवन माइनस इलेवन डिवाइडेड बाय 18, माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 7 जरा बताइए, माइनस 18 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 1, ये दो रूट हो गए, ठीक है बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 6x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ए कितना है इस पर 6, बी कितना है 1 और सी कितना है, सी कितना दिख रहा है माइनस 2 दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक्स इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा भाई, एक बार यहाँ लिखा है फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट करूँ मैं कि लिखूँ फॉर्मूला भी, समझदार बच्चे हो ना, दिस इज माइनस बी कितना 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 48, लेकिन माइनस माइनस प्लस, अब आप समझ गए क्या आना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 12, आप इसको जान रहे हैं कितना आना है इसको 7 डिवाइडेड बाय 12। अब आप एक बार इसको पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन 12 1 अपॉन 2, तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एक वैल्यू हो गई। दूसरा नेगेटिव साइन हम ले रहे हैं, दिस इज माइनस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 8 अपॉन 12 माइनस 8 अपॉन 12, तो 2 अपॉन 3, 8 अपॉन 12 में कितना आएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, 4 2 जा 4 3 जा नेगेटिव साइन के साथ, माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है ना, सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज 6x² प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। परीक्षा में अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो आपको हार्डली एक मिनट भी नहीं लेना है, याद रखिएगा, इतनी स्पीड से बनाइए, ठीक है, वो बीच बीच में ऐसा ऐसा एक को प्लस करो, फिर अगले स्टेप में उसको माइनस लिखो, फिर अगले स्टेप में उसको ब्रैकेट में लिखो, फिर अगले स्टेप में रूट में जाएगा, फिर अगले स्टेप में रूट से बाहर आएगा, फिर अगले स्टेप में प्लस होगा, फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे करके 20 स्टेप हो जाएंगे, 5 मिनट लग जाएगा, समझे ना, टाइम बचाइए, फट से कंप्लीट करिए एक मिनट के अंदर, ठीक है, तब तो कोई बात है। हाँ, ए बी सी डी आप जान रहे हैं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला कोट कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 7, ए बी सी दिख रहा है ना, डायरेक्ट फार्मूला, फार्मूला भी नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला पर वैल्यू रख रहे हैं डायरेक्ट, माइनस बी कितना 7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 8 64 जा 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 240, लेकिन ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 2a 12, ये तो 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 19 का नहीं होगा, ये लास्ट में 9 आ रहा है, ये पेयरिंग इधर करिए, इसका तो 1 हुआ, 1 देगा, ऐसे नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लीकेशन 9 आता हो यूनिट डिजिट में, 7 जा 49 और 3 जा 9, तो या तो 3 होगा 13 का या होगा 17 का, 13 का तो आप जानते हैं 169 होता है, तो ये किसका हो गया 17 का, समझ रहे हो ओरल कैसे निकालते हैं, नहीं तो कापी कलम में ही उलझे रहोगे। अब एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, जरा बोलिए कितना आएगा, 17 में से 7 चला गया 10 अपॉन 12, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 5 अपॉन 6, ये एक रूट आ गया। दूसरा हम साइन ले रहे हैं निगेटिव इसका, 17 और 7 कितना होता है, 17 और 7 24 डिवाइडेड बाय 12 2 माइनस के साथ माइनस 2, ये आ गया,
ठीक है ना, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन बनाइए, कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। का क्वेश्चन देखिए, दिस इज 2x² - 9x + 7 = 0। ठीक है, एबीसी आपको दिख रहा है, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 2 दिख रहा है मुझे, बी इज इक्वल टू -9 एंड सी इज इक्वल टू 7 दिख रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलिए दिस इज माइनस, b कितना है तो -9 आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +9, समझ रहे हैं ना। दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a, a कितना है 2, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8 से बन जा 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 4। सो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आया, 81 में से 56 माइनस करिए, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 2 गया 25 का, तो आप जान रहे हैं कितना आता है, कितना आता है, दिस इज 9 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, है ना। एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो ज़रा बता दीजिए ओरल कितना आएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो जुड़ जाएगा दोनों, 9 और 5 14, 14 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 7/2, वेरी गुड, 7/2। और दूसरा नेगेटिव साइन लीजिए, 9 माइनस 5 4/4 1, ये दो रूट हो गए। आ रहे भाई समझ में आप लोग को, बहुत फास्ट भाग रहे हैं क्या हम लोग, हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ABCD आपको दिख रही है सब, कौन है, डायरेक्ट फार्मूला भी जान रहे हैं आप क्या है, पुट करें डायरेक्ट फार्मूला पर, दिस इज माइनस बी, माइनस 7 है तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 5 20, और ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, दिस इज 2 × 1 = 2। ठीक है, आ रहा है आप लोग को समझ में, आप लोग को आ रहा है, ठीक है। फिर से एक स्टेप में बताइएगा, 49 + 20 कितना होता है, 69 का रूट निकलता है कुछ नहीं निकलता ना, तो इसको हम लिखेंगे 7 + -, अंडर रूट 69 डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार x की वैल्यू कितनी, 7 + √69/2। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा खोल सकते हैं, किसी के मल्टीप्लिकेशन में तो आता होगा, 3 के मल्टीप्लिकेशन में तो आता है 69, कितना, 3 2 जा 3 3 जा 23 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर भी बाहर तो कोई नहीं निकलेगा ना, समझ रहे हो ना, इसलिए उसको 69 ही रहने दो। एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार, ये है दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका रूट निकल जाएगा, लेकिन वो डेसिमल में आएगा, स्क्वायर रूट निकालना हमको आता है ना, तो ये एक रूट बनेगा, एक रूट ये बनेगा, उसको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। दो आप प्लस माइनस के साथ लिख के दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज 4 - 11x = 3x². तो इसको पहले थोड़ा सा सुधारते हैं, हम ये सब नंबर उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि इसको पॉजिटिव रखना होता है, पहले वाले को 3x² को, तो 3x² उस पार है, 11x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और इस पार 0 बचेगा, समझ रहे हैं लिखने का तरीका, इस पार उस पार, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ABCD आपको दिख रही है क्या है, मैं डायरेक्ट फार्मूला कोट करता हूँ, दिस इज माइनस बी कितना, 11 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 48, माइनस माइनस दिस इज 2 × 3 6। ओरल ज़रा बताइए, 121 और 48 कितना,
169 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6, हो गया ओवरऑल। तो एक बार आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू, जरा बताइए, माइनस 11 प्लस 13, 13 और 11 दो डिवाइडेड बाय 6 यानी 1/3। जब आप प्लस साइन लेंगे तो माइनस 11 प्लस 13 लिखेंगे तो 13 में से 11 चला गया, कितना बचा, 2/6 यानी 1/3। दूसरा भी इसी तरह से बता दीजिए, इसको माइनस साइन लीजिए तो 13 और 11 24 डिवाइडेड बाय 6 -4, ये और ये, समझ रहे हो, हाँ ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। छठवा क्वेश्चन था ना, सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न, 9x² - 4 = 0, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे 9x² - 4 कैसे बनाएंगे, जल्दी बोलिए, जल्दी 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 कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला मेथड से बनाना है हमको ना। आप चाहे ओरल तो बन रहा है, डायरेक्ट तो बन जाएगा, 4 को ले जाएंगे इस पार, 9 चला जाएगा नीचे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4/9, बाहर क्या निकलेगा 2, नीचे से 3, 2/3 प्लस माइनस में, तो x की वैल्यू एक हो जाएगी +2/3 और एक हो जाएगी -2/3, दिख रहा है ओरल कैलकुलेशन, लेकिन फॉर्मूले मेथड से बनाना है। तो इसको आप लिखोगे ऐसे 9x² + 0x - 4 = 0, एक्स वाला कोफिशियंट भी लगा लीजिए यहाँ पर, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट। ए बी सी डी तुमको दिख रही है, बोलिए बी कितना, तो -0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 0, -4 मल्टीप्लाइड बाय 9, 36 मल्टीप्लाइड बाय 4, 36 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 4 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 84, कितना होता है, देखो भाई 4ac होता है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, 144, ये 6 4 जा 24, 2 आया 12 और 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो रूट के अंदर तो सिर्फ यही बचा ना, तो ये तो बाहर आ गया क्या, प्लस माइनस 12 और नीचे है 18, किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 2 जा 6 3 जा, तो वही तो आया प्लस माइनस 2/3 जो मैं कह रहा था, लेकिन हमने फार्मूला मेथड से बनाया, वो तो ओरल आ जाता, ठीक है। तो x की वैल्यू एक हो जाएगी +2/3 और एक हो जाएगी -2/3, ये दो रूट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 7 क्वेश्चन, नोट करिए जल्दी से, 3 और बनाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज रूट 3x² - 10x - 8 √3 = 0, ठीक है। ए बी सी दिख रहा है आपको, फॉर्मूला लगाऊं डायरेक्ट मैं, x = -b, तो माइनस बी कितना दिख रहा है आपको, -10, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, फॉर्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 100, -4 मल्टीप्लाइड बाय √3, 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 8√3 माइनस में है, तो ये इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, 4 तो नंबर है तो √3 से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, और ये √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, 8 चौको 32, 32 × 3 कितना होता है, 96, हो गया ना, तो 196 हुआ रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है 2√3, ठीक है, ये हुआ 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का, तो ये तो प्लस माइनस 14 मिला ना, दिस इज 10 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाय ये, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए कभी भी, इसीलिए रेशनलाइजेशन का प्रिंसिपल बना है, रेशनलाइजेशन सुने आपने नाइन्थ में बहुत किए होंगे, तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, अगर रूट आया तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, पहला दिस इज 10
प्लस 14 कितना हो जा रहा है ये, दिस इज हाँ 12 अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो ये हो गया आपका 12 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 4 रूट थ्री, ये आंसर हुआ पहला रूट, ठीक है। दूसरा निकालते हैं, एक बार यहाँ माइनस साइन लेंगे, कितना आएगा, ठीक है, रेशनलाइज कर दीजिए, कितना हो गया, ये दूसरा रूट हो गया, समझ रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, रूट आएगा तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नौवा क्वेश्चन, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ए बी सी आपको दिख रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, 8 6 जा 48, लेकिन माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 4 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4, एक बार आप पॉजिटिव ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 4 3/2, तो x कितना आया आपका 3/2, दूसरी बार आप नेगेटिव साइन कंक्लूड करिए यहाँ पर, सो दिस इज माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, दो रूट। दसवां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है क्वेश्चन, 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ए बी सी डी आप जान रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस में रखूंगा b तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, बी का स्क्वायर बोलिए 4 6 जा 24, समझ रहे हो ना स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 6 होगा और इसका 4, तो 6 4 जा 24 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये तो ख़त्म रूट, नीचे कौन बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो दो इक्वल और रियल रूट मिल रहे हैं यहाँ से, 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय दिस, दिस इज 2, तो कितना मिला, रूट 6 अपॉन 2 प्लस माइनस में, है ना, यानी x इज इक्वल टू एक बार रूट 6 अपॉन 2 पॉजिटिव और x इज इक्वल टू एक बार, ठीक है, ठीक है, आया समझ, तो इसी के साथ हमारा फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक एक्सरसाइज और रह गया अगली क्लास में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।